डुम्बली के हजारों मुसलमानों को मुस्लिम दफन भूमि दी जाए, ऐसी मांग कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शिबू शेख ने की है। हाल ही में डुम्बली के विष्णुनगर स्थित जामा मस्जिद के प्रांगण में मुस्लिम समुदाय की एक बैठक ली गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सचिन पोटे के मार्गदर्शन में ये मीटिंग ली गई, जिसमें कोरोना पर चिंता व्यक्त करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया था। और इस बैठक में जामा मस्जिद के ट्रस्टी अब्दुल कादर ने कहा कि डोंबिली की मुस्लिम जमात पिछले 35 वर्षों से डोंबिली में मुस्लिम दफन भूमि की मांग को लेकर महानगर पालिका से लेकर राज्य सरकार से मांग कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। पिछले 4 सालों से इस मुद्दे को लेकर वो न्यायालय में भी गए हैं। मैं अब्दुल कादर भाई डुम्बली जामा मस्जिद का ट्रस्टी हूँ। हम लोग जो है यहाँ पर जो है अपने को जो कब्रिस्तान की बहुत सख्त ज़रूरत है, 30-35 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सारी प्रशासन को लेटर जो है, जो रिक्वायरमेंट, जो ज़रूरत, उसका जो पेपर से हम लोगों ने सब दिया है। बहुत उसके पीछे पड़ने के बावजूद भी हमारा काम हो रहा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने जो है इसको जो है कोर्ट में भी हम लोगों ने KDMC के ऊपर केस किया है। वो भी 4 साल हो गया, उसमें भी कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। और कभी मैयत होता है तो अभी कोविड में जो है बहुत तकलीफ हो रही है हम लोग को। कभी कभी जो है टेकड़े कब्रिस्तान वाला भी हमसे नहीं ले रहा है, मैयत को नहीं ले रहा है, और मुमरा वाले पहले से मना कर रहे हैं। तो हम लोग जो है घाटकोपर तक, यहाँ तक बाइकला तक हम लोग जो है मैयत को लेकर जाना पड़ रहा है। बहुत तकलीफ़ हो रही है और हमको सख्त ज़रूरत है कब्रिस्तान की जो इस वक्त जो है। और हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो है शेखु शेख जो है ना, ये उपाध्यक्ष जो है, हम लोग को जो है इस काम को लेवे थोड़ा सा, इसको इसको हमको जो कब्रिस्तान का जो है करवा के देवे, है ना, लोगों का मसला हल हो जाए, है ना, इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शिबू शेख ने कहा कि कोरोना काल में डोंबिली के मुस्लिम समुदाय को बॉडी दफनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि कल्याण के टेकरी कब्रिस्तान और मुमरा के कब्रिस्तान में उन्हें बॉडी दफनाने नहीं दिया जाता, इसलिए डोंबिली के मुसलमानों को बॉडी दफनाने के लिए मुंबई जाना पड़ रहा है। इसलिए KDMC और राज्य सरकार डोंबिवली में मुसलमानों को दफन भूमि की जगह दे, ऐसी मांग शिबू शेख ने की है। उन्होंने आगे कहा कि वो इस विषय में कांग्रेस के मंत्री असलम शेख और राष्ट्रवादी के मंत्री जितेंद्र आवार से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें निवेदन देंगे। मैं शिबू शेख, कल्याण डोंबिवली जिला उपाध्यक्ष, और डोंबिवली में 1975 से मैं रह रहा हूँ। और काफ़ी सालों से हम लोगों को दिक्कतें आ रही है कि हम लोगों के समाज में, मुस्लिम समाज के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी का इंतकाल हो रहा है, डेथ हो रही है, तो हम लोगों को दफन भूमि के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं, हमारी जो आघाड़ी सरकार है उनसे मैं विनती करता हूँ कि हमारे मुस्लिम भाइयों को एक न्याय मिले और हम लोगों को एक दफन भूमि के लिए एक जगह मिले। दफन भूमि के लिए अभी कोविड में हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ है, जिसका डेथ हुआ है तो बॉम्बे में जाके हम लोगों को वहाँ पर दफनाया गया है, मुमरा में, कल्याण में, किधर भी नहीं ले रहे हम लोगों को दफनाने के लिए। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि ये हमारी जो मांग है ये आप पूरी करें। माननीय मुख्यमंत्री साहब से मेरी मांग है कि, और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी, हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो सुन के हमको न्याय देंगे। याद रहे कि डोंबिवली पश्चिम में जामा मस्जिद ट्रस्ट द्वारा 1955 में मस्जिद की स्थापना की गई थी। उसके बाद से मुसलमानों के लिए डोंबिवली में दफन भूमि दी जाए, ऐसी मांग प्रलंबित है। बता दें कि डोंबिवली में करीबन 40 से 50 हज़ार मुसलमानों की संख्या है। ऐसे में कोरोना के समय अंतिम विधि के लिए मृतक के घर वालों को शव को लेकर यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। इस मीटिंग में जामा मस्जिद ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अलावा भूतपूर्व नगर सेवक इफ्तिकार खान, आजम शेख, संतोष केने, शकुर पिंजारी, वसीम शेख, निसार सैयद, अब्दुल शेख, शिवसेना विभाग प्रमुख नरेंद्र मात्रे, संतोष गायकवाड़, सुजाता परब, वंदना ताई, लवेश कुबल, गुलाब मनियार, हनीफ बागवान, अमीन कोतवाल, अजीत शेख और हिमायू खान आदि मौजूद थे। मी संतोष सयाजीराव गायकवाड़, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा मी माजी जिल्हाध्यक्ष विद्यार्थी संघ। गेले 10 वर्षापासून दफनभूमीचा विषय हा रेंगाळलेला आहे। एकंदर 40 ते 50 हजार मुस्लिम समाजाची लोक डोंबिवली शहरामध्ये राहतात आणि आमचाही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे माझा व्यक्तिगत पाठपुरावा, मी गेले 5 वर्षापासून मी व्यक्तिगत पाठपुरावा करतो आहे त्या संदर्भात, पण काही यांच्यामध्ये काही टेक्निकल काही मुद्दे असल्यामुळे ते रेंगाळलेलं होतं। पण आता आम्ही संयुक्त काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आम्ही संयुक्त विद्यमाने कमीत कमी वेळामध्ये हा विषय आम्ही तडीस नेणार आहोत। मुंबईचे पालकमंत्री असलम शेख हे पण या संदर्भात पाठपुरावा करत आहेत, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहेब हे सुद्धा या संदर्भात, त्यांच्याशी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे।
तर लवकरात लवकर काहीतरी याचा आम्ही मार्ग काढू। पासून आमचं इथे वास्तव्य आहे, इथे आमच्यासाठी सगळ्या सोयी आहेत, फक्त कब्रस्तानची सोय आमची आतापर्यंत झालेली नाही। बऱ्याच मंत्र्यांच्या, मुख्यमंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या, नगरसेवकांच्या मागे लागून अर्ज करून सगळे झाले, पण अजूनपर्यंत काय आम्हाला त्याच्यात सक्सेस मिळालं नाही आहे। आमच्या इथे कुणाची डेथ झाल्यानंतर त्या माणसाला कब्रस्तानमध्ये नेण्यासाठी फार त्रास होतो। एक तर कल्याणला जा, कल्याणवाले पण हल्ली घेत नाही आहेत या करोनाच्या पिरियडमध्ये। अक्षरशः आम्हाला घाटकोपरपर्यंत आमची डेड बॉडी घेऊन जावी लागते, एवढा आम्हाला इथे प्रॉब्लेम आहे। आणि आम्ही इथे वर्षानुवर्षे राहणारे असून एवढा दिवस झाले या गोष्टीचा पाठपुरावा करतो आहे, पण आम्हाला कुठल्याही प्रकारचा सक्सेस अजूनपर्यंत मिळाला नाही। तर माझी शासनाला अशी विनंती आहे, अगदी हात जोडून, की लवकरात लवकर ह्या कब्रस्तानचा प्रश्न त्यांनी मार्गी लावावा आणि आमच्या मुसलमान बांधवांची दुवा आणि मदत घ्यावी, आमची त्यांना विनंती आहे।